हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से तेलुगु क्लास में स्वागत है। मी अंदर की तेलुगु क्लास लो मल्ली स्वागत है। फ्रेंड्स, आज रिश्तों के बारे में सीखते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल सके ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, आज रिश्तों के बारे में सीखते हैं। तो रिश्तेदार को तेलुगु में बंधुलु बोलते हैं, तो रिश्तेदार को बंधुलु करके बोलते हैं। तो आइए सीखते हैं, रंडी नेर्चुकुंदा। तो बाप या पिता को तेलुगु में तंड्री बोलते हैं, बाप या पिता को तंड्री करके बोलते हैं। जैसे हम पिता को पापा करके बोलते हैं तो तेलुगु में नान्ना बोलते हैं। जैसे हम पिता को पापा करके बोलते हैं तो तेलुगु में नान्ना करके बोलते हैं। तो बाप या पिता को तंड्री बोलते हैं और नान्ना भी बोलते हैं। तो माता या माँ को तल्ली बोलते हैं, माता या माँ को तल्ली बोलते हैं तो अम्मा भी बोलते हैं। जैसे हम माँ बोलते हैं तो तेलुगु में अम्मा बोलते हैं। जैसे हम माँ बोलते हैं तो तेलुगु में अम्मा करके बोलते हैं। तो माता या माँ को तल्ली नहीं तो अम्मा करके बोलते हैं। तो दादा नाना, तो दादा या नाना उसको ताता नहीं तो तातया करके भी बोलते हैं। तो दादा या नाना को तेलुगु में ताता नहीं तो तातया बोलते हैं। वही दादी को नायनम्मा नहीं तो नानम्मा बोलते हैं। दादी को नायनम्मा अथवा नानम्मा बोलते हैं। वही नानी को अम्मम्मा बोलते हैं, नानी को अम्मम्मा करके बोलते हैं। तो दादा या नाना को ताता नहीं तो तातया बोलते हैं। तो दादी को नायनम्मा नहीं तो नानम्मा भी बोलते हैं। तो वही नानी को अम्मम्मा करके बोलते हैं। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है तेलुगु में किसको दादी बोलना है किसको नानी बोलना है। तो एक आसान सा तरीका है, जैसे दादी, तो हिंदी में दादी किसको बोलते हैं तो पापा की माँ को दादी करके बोलते हैं। तो पापा को तेलुगु में क्या बोलते हैं, नाना करके बोलते हैं। तो नान्ना वाला अम्मा नानम्मा, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो नान्ना वाला अम्मा नानम्मा, उसी तरह तो हिंदी में नानी किसको बोलते हैं तो माँ की माँ को नानी करके बोलते हैं। तो माँ को तेलुगु में क्या बोलते हैं तो माँ को अम्मा बोलते हैं। तो अम्मा वाला अम्मा अम्मम्मा, तो नानम्मा नाना वाला अम्मा नानम्मा, तो उसी तरह अम्मा वाला अम्मा अम्मम्मा। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो दादी को नानम्मा बोलते हैं, वही नानी को अम्मम्मा करके बोलते हैं। तो मामा को मेना मामा बोलते हैं, तो मामा को मेना मामा, वही मामी को अत्ता करके बोलते हैं। तो मामी को अत्ता, तो मामा मेना मामा, मामी को अत्ता करके बोलते हैं। वही मौसी या छोटी चाची को पिनतल्ली चिन्नम्मा नहीं तो पिन्नी करके बोलते हैं। तो मौसी या छोटी चाची को तेलुगु में पिनतल्ली नहीं तो चिन्नम्मा नहीं तो पिन्नी करके बोलते हैं। इधर पिना, पिना मतलब छोटा होता है। अभी तल्ली तो माँ होती है, तो छोटी माँ, तो जैसे हिंदी में छोटी माँ करके बोलते हैं तो तेलुगु में पिनतल्ली बोलते हैं। तो छोटी चाची को जैसे छोटी माँ बोलते हैं हम लोग, तो इधर पिनतल्ली करके बोलते हैं। तो उसी तरह चिन्नम्मा, तो चिन्ना मतलब वो भी छोटा होता है, तो अम्मा, चिन्ना अम्मा छोटी माँ, तो इधर चिन्नम्मा करके बोलते हैं। तो पिन्नी भी बोलते हैं। तो मौसी या छोटी चाची को तेलुगु में पिनतल्ली नहीं तो चिन्नम्मा नहीं तो पिन्नी करके बोलते हैं। तो चिन्नम्मा पिन्नी तो ज्यादा प्रयोग में है। तो मौसी या छोटी चाची को पिनतल्ली चिन्नम्मा नहीं तो पिन्नी करके बोलते हैं। तो वही मौसा या छोटे चाचा को, तो मौसा या छोटे चाचा को पिनतेंड्री चिन्ना ना बाबाई करके बोलते हैं। तो मौसा या छोटे चाचा को तेलुगु में पिनतेंड्री नहीं तो चिन्ना ना नहीं तो बाबाई करके बोलते हैं। तो पिना इधर छोटा हो गया, तो तंड्री, तंड्री पापा को तंड्री करके बोलते हैं। तो छोटे पापा, तो छोटे चाचा को हम लोग छोटे पापा करके बोलते हैं, तो इधर पिनतेंड्री करके बोलते हैं। उसी तरह चिन्ना ना, तो इधर नाना पापा हो गए, चिन्ना छोटा, तो छोटे पापा, तो उसको चिन्नाना करके बोलते हैं। तो इधर मौसा या छोटे चाचा को बाबाई करके भी बोलते हैं। तो मौसा या छोटे चाचा को क्या क्या बोलते हैं, तो पिनतेंड्री बोलते हैं, चिन्नाना बोलते हैं, नहीं तो बाबाई भी बोलते हैं। तो चिन्नाना बाबाई थोड़ा सा ज्यादा प्रयोग में है। तो जैसे चिन्नम्मा पिन्नी इधर ज्यादा प्रयोग में है, उसी तरह इधर चिन्नाना बाबाई ज्यादा प्रयोग में है। तो मौसी या छोटी चाची को पिनतल्ली चिन्नम्मा नहीं तो पिन्नी बोलते हैं। तो उसी तरह मौसा या छोटे चाचा को पिनतेंड्री चिन्नाना बाबाई करके बोलते हैं। तो वही बड़े चाचा को पेदनाना बोलते हैं, बड़े चाचा को पेदनाना बोलते हैं। इधर बड़ा को पैदा करके बोलते हैं, तो तेलुगु में बड़ा को पैदा करके बोलते हैं। इधर नाना, तो पापा हो गए, जैसे बड़े पापा बोलते हैं तो बड़े चाचा को हम लोग बड़े पापा बोलते हैं। तो उसी तरह इधर पेदनाना बोलते हैं, तो बड़े चाचा को पेदनाना बोलते हैं। तो बड़ी चाची को पेद्दम्मा बोलते हैं, बड़ी चाची को पेद्दम्मा, पेद्दा अम्मा। इधर बड़ी को पैदा करके बोलते हैं, वही माँ को अम्मा करके बोलते हैं। जैसे बड़ी माँ, तो बड़ी चाची को बड़ी माँ करके बोलते हैं, तो इधर पैदम्मा बोलते हैं। तो बड़ी चाची पैदम्मा, तो बड़े चाचा पैदनाना,
तो बड़ी चाची पेद्दम्मा करके बोलते हैं, वही पति को भर्ता बोलते हैं, पति को भर्ता, वही पत्नी को भारिया बोलते हैं, पत्नी को भारिया करके बोलते हैं, वही बेटी को खुतरू बोलते हैं, बेटी को खुतरू, वही बेटा को खुड़कू बोलते हैं, बेटा को खुड़कू, वही भाई को सोदरुड़ू बोलते हैं, भाई को सोदरुड़ू, वही बड़ा भाई को अन्ना नहीं तो अन्नाया करके बोलते हैं, तो बड़ा भाई को अन्ना नहीं तो अन्नाया करके बोलते हैं, तो अन्नाया ज्यादा प्रयोग में है, तो बड़ा भाई अन्ना अथवा अन्नैया। वही छोटा भाई को तम्मुड़ू बोलते हैं, छोटा भाई को तम्मुड़ू करके बोलते हैं, वही बहन को सोदरी बोलते हैं, बहन को सोदरी, वही बड़ी बहन को अक्का बोलते हैं, तो बड़ी बहन को अक्का, तो वही छोटी बहन को चिल्ली बोलते हैं, छोटी बहन को चिल्ली करके बोलते हैं, वही साला को बावा मरीदी बोलते हैं, साला को बावा मरीदी, तो साली साली इधर छोटी है उसको मरदलू करके बोलते हैं, वही बड़ी है तो वदिना करके बोलते हैं, साली छोटी है तब मरदलू करके बोलते हैं, वही बड़ी है तो वदिना करके बोलते हैं, तो ननद को आड़ पड़छू बोलते हैं, ननद को आड़ पड़छू करके बोलते हैं, वही पोता या नाती को मनवड़ बोलते हैं, पोता या नाती को मनवड़ बोलते हैं, वही पोती या नातिन को मनवरालू करके बोलते हैं, तो पोती या नातिन को मनवरालू करके बोलते हैं, तो सास को अत्ता करके बोलते हैं, सास को अत्ता करके बोलते हैं, वही ससुर को मावैया, तो मावा भी बोलते हैं मावैया भी बोलते हैं, तो ज्यादा मावैया करके बोलते हैं, तो सास को अत्ता बोलते हैं, वही ससुर को मावैया करके बोलते हैं, वही बहू को खोड़लू बोलते हैं, बहू को खोड़लू करके बोलते हैं, वही दामाद को अल्लुड़, दामाद को अल्लुड़, तो बहू को खोड़लू, तो वही दामाद को अल्लुड़ करके बोलते हैं, वही भाभी को वदिना बोलते हैं, भाभी को वदिना, तो वही जीजा को बावा करके बोलते हैं, जीजा को बावा करके बोलते हैं, तो बुआ को तेलुगु में मेनत्ता बोलते हैं, बुआ को तेलुगु में मेनत्ता बोलते हैं, वही फूफा को मावा अथवा मावाया करके बोलते हैं, तो बुआ को मेनत्ता और फूफा को मावा अथवा मावाया बोलते हैं, वही भांजी को मेनाकोडलू बोलते हैं, तो भांजी को मेनाकोडलू बोलते हैं, वही भांजा को मेनल्लुड़ करके बोलते हैं, तो भांजा को मेन अल्लुड़ करके बोलते हैं, तो भांजी को मेना खोड़लू, वही भांजा को मैन अल्लुड़ करके बोलते हैं, आप देख रहे होंगे इधर मैना खोड़लू मैन अल्लुड़ करके बात कर रहे हैं, तो खोड़लू तो बहू होती है, अल्लुड़ तो दामाद होता है, इधर क्यों ऐसे, तो भांजी को मेना खोड़लू और भांजा को मैन अल्लुड़ करके बोलते हैं, तो समझे मेरे बच्चे है, तो मेरे बच्चे मेरे भाई के बहू दामाद बन सकते हैं, उसी तरह मेरे भाई के जो बच्चे हैं तो मेरे बहू दामाद बन सकते हैं, तो इसलिए इधर भांजी को मैना खोडलू और भांजा को मैं नल्लुड़ करके बोलते हैं, तो उनके बच्चे तो मेरे बहू दामाद बन सकते हैं, उसी तरह मेरे बच्चे तो मेरे भाई के बहू दामाद बन सकते हैं, तो इसलिए इधर मैना खोडलू और मैं नल्लुड़ करके बोलते हैं, तो परनाना परदादा, तो परनाना परदादा को मुत्ताता करके बोलते हैं, तो परनाना परदादा को मुत्ताता करके बोलते हैं, वही परनानी या परदादी को मुत्तावा करके बोलते हैं, तो परनानी या परदादी को मुत्तावा करके बोलते हैं, तो वही परपोता या परनाती, तो परपोता परनाती को मुनि मनवड़ करके बोलते हैं, तो परपोता या परनाती को मुनि मनवड़ करके बोलते हैं, तो वही परपोती या परनातिन, तो परपोती या परनातिन को मुनि मनवरालू करके बोलते हैं, जैसे हिंदी में बड़ों से बात कर रहे हैं तो आदर से हम जीजी करके बोलते हैं, तो तेलुगु में गारू करके बोलते हैं, तो हिंदी में जो जीजी करके हम लोग बोलते हैं तो तेलुगु में गारू करके बोलते हैं, तो उदाहरण के लिए तो पिताजी, जैसे पिताजी हम बोलते हैं तो इधर थंड्री गारू नहीं तो नाना गारू करके बोलते हैं, तो उसी तरह माताजी या माँ जी उनको तो तल्ली गारू नहीं तो अम्मा गारू करके बोलते हैं, तो उसी तरह इधर दादाजी या नानाजी को तात गारू नहीं तो तातय्य गारू करके बोलते हैं, तो उसी तरह आप हिंदी में जो जी जी करके हम आदर से बोलते हैं तो उसी तरह आप तेलुगु में भी गारू करके बोल सकते हैं, तो छोटा बेबी को तेलुगु में क्या बोलते हैं, छोटा बेबी को तेलुगु में बिड्डा करके बोलते हैं, वही यदि मेल बेबी है तो बेबी बॉय है उसको मगा बिड्डा बोलते हैं, वही फीमेल बेबी है तो बेबी गर्ल को तो आड़ बिड्डा करके बोलते हैं, तो छोटा बेबी को तेलुगु में बिड्डा करके बोलते हैं, यदि बेबी बॉय है मगा बिड्डा बोलते हैं, वही बेबी गर्ल है आड़ बिड्डा करके बोलते हैं, बच्चा यदि बच्चा लड़का है तो उसको पिल्लवाड़ करके बोलते हैं, बच्चा यदि लड़का है पिल्लवाड़ करके बोलते हैं, वही लड़की है तो बच्ची जो बोलते हैं तो बच्ची है तब पिल्ला करके बोलते हैं, बच्ची को पिल्ला करके बोलते हैं, वही बच्चे तो बच्चे को तेलुगु में पिल्ललु करके बोलते हैं, तो छोटा बेबी को बिड्डा बोलते हैं, बेबी बॉय को मगा बिड्डा बोलते हैं, बेबी गर्ल को आड़ बिड्डा करके बोलते हैं, यदि बच्चा है तो बच्चा जो लड़का है उसको पिल्लवाड़ करके बोलते हैं, बच्ची है तो
तो उसको पिल्ला करके बोलते हैं, वही बच्चे को पिल्ललू करके बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जितना समझ में आ गया होगा, यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।